हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लर्निंग सर्विंग और इसके साथ ही बेल को भी बजा दीजिए और पाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता बास, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चैनल लर्निंग सर्विंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ओप्पो के न्यू मोबाइल फ़ोन की, जिसका नाम है A71, जो कि रिसेंटली आज ही पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन या प्राइस की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन में हमें 3GB रैम, 16GB रोम और 7.0 एंड्रॉयड नॉकआउट हमें मिल जाता है। और अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो वो भी हमें प्लास्टिक की मिलती है। 3GB रैम के साथ 16GB रोम। इसका कैमरा देखा जाए तो वो बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो वो सिर्फ हमें 5 मेगापिक्सल मिलता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 20,000 में, तो ये एक बड़ी प्राइस है। देखा जाए तो इस प्राइस में पहले तो ओप्पो के पास कोई मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं था। अगर हम F1S की बात करें या A57 की बात करें तो वो भी हमें 20,000 से अबव प्राइस में मिलते थे। लेकिन अब जो ये न्यू मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है, इसकी प्राइस है 20,000 में। आप देख सकते हैं कि 3GB रैम, 16GB रोम, और अगर अब कैमरे की बात की जाए, जिसकी वजह से ओप्पो मशहूर है, जिसकी वजह से ओप्पो को लिया ख़रीदा जाता है, कैमरे की ही वजह से लोग इसको परचेज़ करते हैं। लेकिन इस दफा अगर हम कैमरा देखें तो वो भी हमें बैक तो हमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन अगर फ्रंट कैमरे की बात करें वो 5 मेगापिक्सल है। जैसा कि ओप्पो का स्लोगन है कि सेल्फी एक्सपर्ट, तो अगर हम इस मोबाइल को देखें तो बिल्कुल सेल्फी एक्सपर्ट नहीं है। 5 मेगापिक्सल में आपका कौन सा मोबाइल सेल्फी एक्सपर्ट होगा, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 मेगापिक्सल में आपको एक सेल्फी एक्सपर्ट कैमरा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर हम इसकी बॉडी की तरफ देखें तो वो हमें प्लास्टिक में मिलती है। मीन्स 20,000 में तो हमें क्यों मोबाइल भी या नोकिया भी हमें प्लास्टिक की बॉडी नहीं देता है, लेकिन ये इस दफ़ा ओप्पो ने सेट दिया है। लेकिन अब ओप्पो मोबाइल का नहीं पता कि उसने ये मोबाइल इतनी प्राइस में क्यों लॉन्च किया है। 20,000 एक बड़ी प्राइस है देखा जाए तो। इस 20,000 में प्राइस में आपको अगर देखा जाए तो क्यों मोबाइल की तरफ पहले ही बहुत कॉम्पिटिशन। 20,000 में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रेंज है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिल जाता है देखने को। अगर देखा जाए तो शाओमी मिल जाता है, शाओमी का जो अभी न्यू सेल फोन आया नोट 4 मिल जाता है, या अगर क्यू मोबाइल की बात की जाए तो इसमें ऐसे बहुत सारे सेल फोन हैं जो आपको मिल जाते हैं, और ऐसी भी दूसरी कंपनी है जिसमें आपको 20,000 में आपको एक अच्छा सेल फोन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम शाओमी नोट 4 की बात करें तो उसकी स्पेसिफिकेशन हमें देखने को बहुत अच्छी मिल जाती है, और मोबाइल फ़ोन भी वो देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। उसकी अगर स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो हमें अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ओप्पो ने क्या सोच के अपना मोबाइल लॉन्च किया है, उसकी क्या वजह है कि 20,000 में उसने ये सेल फोन लॉन्च किया है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ओप्पो के पास पहले 20,000 की रेंज में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, इससे कम वाली रेंज में थे या इससे ज़्यादा वाली रेंज में थे, लेकिन 20,000 की जो रेंज है इसमें कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। इसी वजह से ओप्पो ने अपना मोबाइल फ़ोन 20,000 की रेंज में लॉन्च किया है। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है वो कुछ खास नहीं है। कैमरे की बात की जाए तो वो भी इस दफ़ा कुछ खास देखने के वो नहीं मिला है। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल जो। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मैं तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 20,000 की रेंज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन परचेज़ करें, क्योंकि इसके रेंज के अंदर पहले इतने सारे सेल फोन मौजूद हैं, इतना कॉम्पिटिशन है। आप अगर मार्केट में जाएँ तो आप वहाँ पर आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला सेट 20,000 में मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन या रिकमेंडेशन तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ पोस्ट साइनिंग ऑफ, शुजात अब्बास, अल्लाह हाफिज़।